भी अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर ईपीएस पेंशन को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला। पेंशन धारकों को मिली बड़ी सौगात। पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले, उसके बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। ईपीएस पेंशन को लेकर आज मोदी सरकार ने लाइव आकर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को 3 बड़े आदेश दिए हैं, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। और फिलहाल कमांडर अशोक रावत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं और पेंशन के बारे में ताजा जानकारी को जानते हैं कि अब आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए आ चुकी है ईपीएफओ के द्वारा बड़ी जानकारी सामने। ईपीएफओ ने जारी किया अभी अभी एक नया सर्कुलर पेंशन को लेकर, जिसके अनुसार 3 नई घोषणाएं की गई है ईपीएफओ के द्वारा। उनका सीधा ही ईपीएस पेंशन पर असर पड़ने वाला है, यानी कि ईपीएस पेंशन में बहुत बड़े बदलाव और बहुत यानी कि आपको साथ में बड़ी सौगात मिलने वाली है ईपीएफओ के द्वारा। तो आपकी पेंशन को लेकर 3 नई घोषणाएं की गई, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाले कि ईपीएफओ ने फाइनली इस यानी कि सर्कुलर के अंदर कौन सी 3 नई घोषणाएं की है, जिसका सीधा फायदा आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको इसका फायदा लेना होगा, उसके लिए क्या करना होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। जानकारी आप सभी पेंशनधारक के ईपीएस के उनके लिए काम की होने वाली है, जिसमें आपकी यानी कि महंगाई भत्ते और ईपीएस मिनिमम पेंशन और साथ में आपकी मेडिकल सुविधा को लेकर घोषणाएं की गई है। आपको बता दें कि आपको मिनिमम पेंशन है जो इस तरह मिलेगी, जिन पेंशन धारकों ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है उनको ज़्यादा ईपीएस पेंशन मिलेगी। जैसा कि मान लिया जाए कि आप 60 वर्ष से अधिक यानी कि योगदान किया है, आपने 60 वर्ष से अधिक पेंशन में योगदान किया यानी कि ईपीएफओ के अंदर, तो आपको उस हिसाब से यानी कि पेंशन मिलेगी। और आपकी जो एज है 60 वर्ष से अधिक है तो आपको वैसे ज़्यादा पेंशन मिलेगी, यानी कि आपने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया होगा। जिन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पेंशन के अंदर किया है उनको ज़्यादा पेंशन मिलेगी मिनिमम। इस तरह की यानी कि इस सर्कुलर के अंदर जानकारी आ रही है कि जिन पेंशनधारकों ने 65 वर्ष से अधिक जो आयु के है और जिन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है उनको 9,000 रुपये भी पेंशन मिल सकती है मिनिमम। और जो पेंशनर से 65 वर्ष के हैं और जिन्होंने यानी कि कम से कम 30 साल या 35 साल तक कंट्रीब्यूशन किया है उनको यानी कि पेंशन है 7,500 रुपये भी मिल सकती है। इस तरह की इस सर्कुलर के अंदर जानकारी दी गई है। बात करें आपके महंगाई भत्ते की, तो आपको वर्तमान में 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है, उसे बढ़ाकर के 44% करने को लेकर अपडेट आ रही है। बात करें आपकी मेडिकल सुविधा की, जिसको लेकर पेंशनधारक काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि साथ में जो ईपीएस के पेंशनधारक हैं उनको अच्छी फैसिलिटी की मेडिकल सुविधा दी जाए, तो आपको मेडिकल सुविधा का बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस तरह का ऐसे सर्कुलर के अंदर 3 बड़ी नई घोषणाएं की गई है।